अपने बेटे और भाई की मदद करने का काम किया, और इतना ही नहीं किया, 100 रुपए से लेकर 50 रुपए से लेकर ऐसे तमाम सारे लोगों ने, सैकड़ों हजारों लोगों ने मेरी आर्थिक रूप से मदद करने का भी काम किया है, और मुझे लखनऊ भेजकर एक जनप्रतिनिधि रूप में भेजने का काम किया। फिर जो हरा कुर्ता है मेरी हरी साफी है, ये देश में किसानों का प्रतीक है, क्योंकि किसान एक ऐसी कौम है जो मेहनत करके अपने घर परिवार के साथ साथ पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व को पेट भरने का काम करता है, और ये जो लाल साफी है ये क्रांति का प्रतीक है। तो 2013 में जब समाजवादी सरकार थी और उत्तर प्रदेश मुखिया आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो पुलिस लाइन खो में लैपटॉप वितरण के दौरान काला झंडा नहीं दिखाया था हमने, तो हमने अपनी मांगों को रखे दिखाया था, तो जिस पर पुलिस वालों ने हमको रोकने का प्रयास किया था और रोक लिए थे, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी की नज़र पड़ गई थी और उन्होंने मुझे मंच पर भी बुलाया था और मेरी जन समस्याएं सुनी थी। आप सोच रहे हैं कि ये माननीय कौन हैं और हम आपको आज इनसे क्यों मिलवा रहे हैं, तो गुरु जान लीजिए, लोकतंत्र में हर नेता हर मंत्री वादा करता है कि वो गरीब असहाय लोगों को जीतने पर मदद करेगा, लेकिन घूमता वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में है, संपत्ति उसकी करोड़ों में होती है, क्योंकि इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में जो प्रत्याशी जीत कर आए हैं उनमें 90% से अधिक करोड़पति हैं। लेकिन इन लोगों में एक नेता ऐसा भी है जिसकी संपत्ति सदन में सबसे कम है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के चुनाव खत्म हो गए हैं और जीत कर आए अधिकांश विधायक भले ही करोड़पति हों, लेकिन इस लिस्ट में एक नाम अनिल प्रधान का भी है जिनकी संपत्ति पूरे सदन में सबसे कम है। चित्रकूट जिले की सदर विधानसभा सीट से इस बार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अनिल प्रधान चुनाव जीते हैं। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी व योगी सरकार में लोक निर्माण विभाग में राज्य मंत्री रहे चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय को पटखनी दी है। चुनाव आयोग को दी गई जानकारी के मुताबिक इनके पास कुल संपत्ति 30,496 रुपए की है, जबकि इनके पास ना तो कोई मकान है और ना ही कोई जमीन का टुकड़ा। यही जानने के लिए हमारे सहयोगी संतोष ने बात की अनिल प्रधान से, सुनिए उन्होंने क्या कहा। कि कैसे राजनीतिक सफर की शुरुआत की आपने? 2010 में इंटर की परीक्षा के बाद शुरू से लगत थी कि लोगों के लिए काम करना है, मदद करना है। 2011 से हमने जन आंदोलन स्टार्ट किया था पाटा क्षेत्र में, सबसे पहले बिजली पानी और तमाम सारी बुनियादी समस्याओं को लेकर। उस समय संभवतः उम्र मेरी 17 साल रही होगी और 4 दिन तक हमने भूख हड़ताल किया था, और उसके बाद लगातार आंदोलन धरना प्रदर्शन के साथ साथ जो गरीब लोग हैं, किसी को ब्लड की आवश्यकता पड़े तो खून की व्यवस्था करना, कोई असहाय है उसकी लड़की की शादी में मदद करना, अस्पताल में अगर किसी को भोजन नहीं मिल पाए तो उसकी व्यवस्था करना, जिले में कहीं भी कोई घटना घट जाए वहाँ पर पहुँचना और सरकारी मदद दिलाना, कोई अगर घटना घट गई तो उसको कफन के साथ साथ तमाम सारी जो व्यवस्थाएँ थी जनता के लिए हमने मदद करने का काम किया जी। तो कैसे अखिलेश यादव जी की निगाह में आप कैसे आए और कैसे समाजवादी पार्टी से आप जुड़े? देखिए, इस देश के लोग भी जानते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी जानते हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ही ऐसे व्यक्ति हैं जो किसान और मजदूर घर के लड़का जो अंतिम पायदान पर बैठा उसको भी वो लखनऊ दिल्ली भेजकर जो किसान मजदूर उनकी लड़ाई लड़ने के प्रेरित करने का काम करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी परिवार का मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने किसान के बेटे पर भरोसा जताया था और समाजवादी परिवार के मेहनत और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से उनका भरोसा बचाने में कामयाब रहा, और अपना सीट जो है जो भी जीत मिली है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान पार्टी के अलावा अगर किसी का है तो जनता जनार्दन का और चित्रकूट विधानसभा के सभी लोगों का है, जिन्होंने जात धर्म मजहब से हटकर अपने बेटे और भाई की मदद करने का काम किया, और इतना ही नहीं किया, 100 रुपए से लेकर 50 रुपए से लेकर ऐसे तमाम सारे लोगों ने, सैकड़ों हजारों लोगों ने मेरी आर्थिक रूप से मदद करने का भी काम किया है, और मुझे लखनऊ भेजकर एक जनप्रतिनिधि रूप में भेजने का काम किया है। 20 जून 2013 को जब अखिलेश यादव यहाँ आए थे लैपटॉप बांटने, तब आप उनको काला झंडा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, पुलिस ने आपको घसीटा था, फिर अखिलेश यादव ने आपको लखनऊ बुलाया, तो क्या कहानी थी, कैसे उनको उनकी निगाह में आप आए? 20 जून 2013 में जब समाजवादी सरकार थी और उत्तर प्रदेश मुखिया आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, पुलिस लाइन खो में लैपटॉप वितरण के दौरान काला झंडा नहीं दिखाया था हमने अपनी मांगों को रखे उनको दिखाया था, तो जिस पर पुलिस वालों ने हमको रोकने का प्रयास किया था और रोक लिए थे, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी की नज़र पड़ गई थी और उन्होंने मुझे मंच पर भी बुलाया था और मेरी जन समस्याएँ सुनी थी, उसके बाद उन्होंने मुझे लखनऊ भी बुलाया था, और उनके कार्यकाल में जब भी मैंने उनसे कुछ मांगा उन्होंने हमेशा मुझे देने का काम किया, अपने पाटा क्षेत्र में अस्पताल ले गया, विद्युत हीटर ले गया,
बस चलवाई, कई गांव को जनेश्वर मिश्र ग्राम के तहत 40-40 लाख की सीसी सड़कें बनवाई, इस तरह की तमाम सारी मांगे जो मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मांगा था, उन्होंने हमेशा देने का काम किया और मुझे प्रोत्साहित करके जनता की सेवा करने के लिए आगे बढ़ाने का काम। इतना ही नहीं, जहां आज के नेता सफेद गाड़ी महंगे जूते पहनने का शौक रखते हैं, तो वहीं अनिल प्रधान सादा चप्पलों में लोगों से मिलते हैं। यहाँ तक कि पूरा जनसंपर्क भी उन्होंने इसी तरह कर डाला था। अपना पूर्ण रूप से मन बना लिया था और इस बार का चुनाव समाजवादी पार्टी अनिल प्रधान बाद में लड़े हैं। पहले ही जनपद चित्रकूट का 2 क्षति विधानसभा के लोगों ने मन बना लिया था कि इस बार उन्हें अपने बेटे और भाई की मदद करना है। और पूरे चुनाव में जब भी हम किसी गांव में गए या शहर में गए, ऐसा कोई समुदाय या जात वर्ग किसी भी जात धर्म व्यक्ति रहा हो, सब ने मेरी मदद करने का भी काम किया और आर्थिक रूप से भी मदद करने का काम किया और मेरे इस चुनावी कैंपेन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मुझे सफलता दिलाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान जनता जनार्दन और सभी वर्ग के लोगों का रहा। अच्छा, आप अपनी वेशभूषा को लेकर भी काफ़ी अलग दिखते हैं, है ना, सिर मिला साफी हरा कुर्ता और हवाई चप्पल पहन के आपने चुनाव लड़ा, आप हमेशा इसी वेशभूषा में दिखते हैं, इसके पीछे कोई खास कारण? कोई खास कारण नहीं है, किसान और मजदूर घर का बेटा हूँ और जिस प्रकार जो मेरी हैसियत है वही मैं पहनता हूँ। ये जो हरा कुर्ता है मेरी हरी साफी है, ये देश में किसानों का प्रतीक है, क्योंकि किसान एक ऐसी कौम है जो मेहनत करके अपने घर परिवार के साथ साथ पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व को पेट भरने का काम करता है। और ये जो लाल साफी है ये क्रांति का प्रतीक है, हमारे अखिलेश यादव जी की निशानी है, समाजवादी पार्टी की निशानी है कि लाल और हरे के साथ मिलकर लोगों के लिए लड़ाई लड़ना है और हर वर्ग किसी जात धर्म के व्यक्ति हो उनके लिए काम करके लोगों की मदद करके और जनता जनार्दन के जो निचले स्तर पर पायदान का बैठे व्यक्ति है उसको समाज की मुख्य धारा में लाकर लोगों की मदद करना, यही उद्देश्य पहले से भी रहा है। इसके पहले भी 2 बार जनता ने 2015 के जब जिला पंचायत चुनाव हुए थे उस समय सरैया वार्ड से लगभग 2500 मतों से मैं सबसे ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतने वाला सदस्य बना था जिले में। उसके बाद भी लगातार लोगों का आशीर्वाद सहयोग बना रहा, सरैया वार्ड अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हुई, करबी के विधानसभा के अकबरपुर वार्ड से चुनाव लड़ने के 1 महीना तैयारी किया, बाद में फिर परसीमन चेंज करा के महिला सीट कर दी, तब अपनी भाभी को चुनाव जनता जनार्दन के सहयोग से लड़ाया था जिसमें 11,000 मतों से भाभी अनुराधा देवी पटेल विजयी हुई थी। इस प्रकार से जनता का हमेशा सहयोग और आशीर्वाद अपने बेटे और भाई पर बना रहा है, लोगों ने बढ़ चढ़ कर अपने इस बेटे और भाई की मदद की और दलगत राजनीति को छोड़कर उन्होंने अपने बेटे और भाई की मदद करने का काम किया। अब देखना होगा कि योगी सरकार में राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय को पटखनी देने वाले अनिल प्रधान सदन में कौन से मुद्दों को उठाते हैं। तब तक यूपी की हर एक खबर को जानने के लिए देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।